के चरणों में कोटि कोटि बारंबार। जी साहब बोलो बोलो नमन। वहां देखो भैया वो दादाजी जो के तो। हाँ जी कहाँ से हो आप? गुरुदेव मुन्ना कटारी सागर। हैं? सागर। आ रहा सागर को इंदौर में आज जी कहा भैया कक्का दे कर रहा हूँ। बोलो क्या प्रश्न है तुम्हें? गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की शादी हुई, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुई, तो मैं फिर से प्रस्ताव लेके जाने का। ये तो विनोद की बात है, बुरा मत मानना, कोई इसको कट करके मत डाल देना। ये देखो ये कितना खतरनाक गुरु है। हनुमान जी की शादी हुई या नहीं हुई, मत बहुत प्यारा है। एक जगह हमने पढ़ा है सूर्य की पुत्री सुवर चला, हनुमान जी का विवाह हुआ। जब हनुमान जी सूर्य के पास विद्या सीखने गए तो एक विद्या ऐसी थी जो विवाहित व्यक्ति को ही दी जाती, तो सूर्य भगवान ने कहा कि हनुमान जी ये विद्या हम आपको नहीं, श्री हनुमान जी ये विद्या नहीं सिखा सकते। हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव विद्या तो सिखानी पड़ेगी। कहा कि ये विद्या तो जो विवाहित है उसे दी जाती है। श्री हनुमान जी ने कहा सरकार हम विवाह कर नहीं सकते क्योंकि आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का हमारा दृढ़ संकल्प है। तो सूर्य देवता ने कहा चिंता मत करो, हमारी एक पुत्री है जिसका नाम है सुवरचला, वो बड़ी तपस्विनी है, तुम उसके साथ विवाह कर लो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी बचा रहेगा और सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। जय श्री। एक जगह ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, सूर पुत्री सुवरचला, शायद ये अरुणाचल प्रदेश में है, शायद इसलिए लगाया श्रेष्ठ। जब आप हम इसको जो है और भाव में गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा हमारे जो गुरुजी हैं उनसे भाव लेकर के बताएंगे, पर विवाह हुआ एक जगह हमने ऐसा अन्य कथानक में पाया, पर प्रमाणिक ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं पाया है। और हनुमान जी का विवाह भी हुआ तब भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही रहे और राम जी भी ब्रह्मचारी ही रहे, एक पत्नी व्रतधारी सदा बाल ब्रह्मचारी। धन्यवाद। अब आप संतुष्ट।